कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल की सामग्री, ये मैंने 3 बड़े टमाटर और पोटैटो लिए हैं जो मैंने इसको उबाल लिया है। ये मैदा है 1 कटोरी, धनिया, मटर, मिर्च। इसमें 1 चम्मच हम तेल डालेंगे और थोड़ा सा अजवाइन, और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। मैं आपको गूंथने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने इसे गूंथ लिया है, मुलायम। देखिए, हल्का तेल डालना है, थोड़ी अजवाइन। इसको हम थोड़े टाइम ऐसे ढक देते हैं, फिर इसे तैयार करते हैं। हमने आलू को ऐसे तोड़ लिया है, हमने इसे ऐसे तोड़ लेना है आलूओं को। फिर एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा बारीक कांदा काटा है। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, 3 कटी हुई हरी मिर्च। हमें इसे थोड़ा चला लेना है। अब इसमें हम मटर डालेंगे, हमने इसमें मटर भी डाल लिया है, इसको चला लेंगे। हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं हमने डाला, जीरा पाउडर। हम सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे, हमने आलू को भी डाल लिया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम धनिया डाल देंगे, धनिया पत्ता। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें नमक डाल देना है, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे को ऐसे लोइया बना लिया है। इसे हमें प्रेस कर लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने ऐसे इसको बेल लिया है। ऐसे आपको लंबे में प्रेस कर लेना है। इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे आलू को। देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे रोल कर लेना है। ऐसे सभी को ऐसी तरह बना लेना है, रोल कर लेना है। देखिए फ्रेंड, हमने एक और तैयार कर लिया है, इसको ऐसे रोल कर लेना है। हमने एक और रोल कर लिया है। यहाँ पे आप पानी लगा दीजिए, नहीं तो ये निकल सकता है। यहाँ पे आपको ऐसे पानी लगा के फिर ऐसे आपको रोल करना है, और इस साइड से आपको मोड़ लेना है ताकि तेल में मसाले निकले ना। दोनों साइड से आपको मोड़ लेना है। देखिए फ्रेंड, हमारा रोल तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें तेल हमने डाला है। देखिए फ्रेंड, हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए फ्रेंड, अब इसको हम आराम से पलट देंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा होके तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह आप सभी को उबाल लें। तो देखिए फ्रेंड, आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। आप इसे मीठी चटनी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हे फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा क्रिस्पी स्प्रिंग रोल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। हे फ्रेंड, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। बाय फ्रेंड।